केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, शिवपुरी गुना में बनेगा एयरपोर्ट, ग्वालियर में 18 माह में एयरपोर्ट बनकर तैयार, पीएम मोदी 10 मार्च को करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को शिवपुरी दौरे पर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही गुना और शिवपुरी जिले में हवाई अड्डों का उन्नयन होगा। शिवपुरी हवाई अड्डे का निर्माण 45 करोड़ की लागत से विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत करवाया जाएगा। यहां से सबसे पहले भोपाल के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ गुना हवाई अड्डे का निर्माण भी 45 करोड़ की लागत से विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। शिवपुरी से भोपाल के लिए 19 सीटर फ्लाइट चलाई जाएगी। उन्होंने कहा 10 मार्च को ग्वालियर में 60 करोड़ खर्च कर बनाए आधुनिक एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट को रिकॉर्ड 18 माह में बनाया गया है। इससे पहले 20 माह के भीतर अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था। थोड़ी कम बजी। मैं जान रहा हूँ क्यों मंच आसीन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहन कह रहे हैं कि हवाई अड्डा तो हो गया, प्लेन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी के लिए 19 सीटर का प्लेन की रूट शिवपुरी और भोपाल के बीच में भी हम लोग जल्द से जल्द। अयोध्या का हवाई अड्डा जो हमने प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार 20 महीने में बनाया, पर परसों या तरसों 10 तारीख को उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे जब ग्वालियर का हवाई अड्डा 16.5 महीने में तैयार होकर लोकार्पण हो जाएगा। आप सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आके देखना बाहर से, आके देखना अंदर से। पूरी ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति मैंने अमीट छाप बना के छोड़ दी है। चार चार हवाई के टनल सुरंग लगा दिए हैं। कोई भी जाएगा ग्वालियर के हवाई अड्डे से वो पैदल प्लेन के अंदर नहीं जाएगा, वो सुरंग के आधार पर सीधा गेट के अंदर जाएगा, जैसे भोपाल, इंदौर और दिल्ली और मुंबई में जाते हैं।